हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी ससुराल में, क्योंकि आज ससुराल में ही थूँ। और मिस्टर जी अंशु तो चले गए हैं सुबह ही गाड़ी से, हम लोग जा रहे हैं अभी। अब हमको भी टाइम लग ही जाएगा। और मौसम ऐसा हो रखा गंदा सा, उमस हो रखी है, ना बारिश हो रखी है ना तेज धूप। तो अभी तक यहाँ का काम मैंने पूरा निपटाया, उसके बाद खुशा और मैं जाएंगे गाड़ी से, और मम्मी भी बैठे हमको छोड़ने के लिए। रोड तक आएंगे, देखा क्या करते हैं। तो चलते हैं सीधे मम्मी के यहाँ। दादी भी आ रहे हैं खुशा के नीचे तक, तो चलते हैं हम सीधे रोड पे। इस बार तो मिस्टर जी और हम है ना साथ में गए नहीं कभी आगे पीछे, क्योंकि वहाँ उनको डेली जाना पड़ता है और मैं तो कभी कुछ पीछे ही रह जाती हूँ, इसलिए मैं गाड़ी से जाती हूँ, वो बाइक से निकल जाते हैं। घर आने के बाद ऐसे ही हुआ हम लोगों का इस बारी। तो अभी हम मार्केट जाके मिलेंगे मिस्टर जी से भी। खुशा भी खड़ी है क्योंकि गौशाला यही है, तो मम्मी अभी गाय को बाहर बांधेंगे। छाया आई है ना, अच्छी बैठे हैं यहाँ पे, अभी तो इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे फिर मम्मी अपने काम पे लग जाए। नीचे से दीदी को भी बुला लेते हैं ऊपर। गाइस गाड़ी तो मिल रही है और बच्चे आ रहे हैं मेरे को, क्योंकि मेन रोड थोड़ा दूर रहती है जहाँ से गाड़ी चलते रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम ही आते हैं, तो वहाँ तक बच्चे आ रहे हैं छोड़ने के लिए। यहाँ पे थोड़ी देर हम वेट कर रहे थे, बच्चे आ गए सर। गाइस काफी सुंदर लग रहा है यहाँ से हमारा गाँव। इतना बड़ा गाँव है और पहाड़ों में इस तरीके के घर रहते हैं, मैंने ये दिखाया है आपको। बस खुशा और मैं चले गए हैं गाड़ी से अब सीधे घर। अभी तो मार्केट जाने में टाइम है, बारिश हो गई थी, हम लोग थोड़ा देर रुक गए थे। चलते हैं सीधे सुबह सुबह। हम लोग मिस्टर जी को रुके हैं यहाँ पे, हम सोमेश्वर के मार्केट में पहुँच चुके हैं और मिस्टर जी भी आने वाले ही हैं। बारिश हो गई ना, थोड़ा बहुत काम का वो चल ही रहा था, तो अभी आ रहे मिस्टर जी, फिर चलते हैं घर पे। उसा को भी ठंडी लग गई है, बारिश काफ़ी, जो सुबह से मौसम एकदम गंदा सा हुआ था, अभी बारिश आ गई तो अब ठंडा हो गया। गाइस आज घर पहुंचने तक हम लोगों को अंधेरा हो गया, मार्केट में काफ़ी टाइम लग गया था। गाइस अंशु खा रहा है अभी खाना, हम लोगों का तो हो गया और ये सो गया था नींद में, इसको भी काफ़ी नींद आ रही है अभी, क्योंकि दो दिन नाइट में जगा रहा ना पूरा नाइट भर, आज सुबह से आके
यही मस्ती चल रही है। कहाँ जा रहे हो आप? ये ब्लैंकेट लेके आज हमने अपनी जगह चेंज कर ली है, दूसरे कमरे में जा रहे हैं सोने। सेटिंग ही नहीं हो पाती, पूरे छुट्टियां खत्म हो जाती, बच्चे कभी उस रूम में जाते कभी इस रूम में आते हैं, यही चलता रहता है बच्चों का। बाकी कोई सो गया है, कोई सो रहे हैं, बिस्तर लगाने की हो गई तैयारी। अब ब्लॉग को भी यहीं तक ही रखते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।